उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में आज 25,000 रुपए के इनामी बदमाशों को गोली लगी। थाना शाहबाद क्षेत्र अंतर्गत एक सप्ताह पूर्व नाबालिग युवती की घटना का खुलासा हुआ। 25,000 रुपए के दो इनामी बदमाश, एक बब्बू बेग पुत्र याकूब बेग, दूसरा इशारुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन, निवासीगढ़ ग्राम मित्तरपुर थाना शाहबाद रामपुर को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बाद इनका तीसरा साथी भागने में कामयाब रहा। पूरी घटना क्या है सर? जनपद रामपुर में थाना शाहबाद अंतर्गत एक सप्ताह पूर्व एक युवती की बॉडी मिली थी। इस पे मौके पे मैं स्वयं पूरी अपनी टीम के साथ पहुंचा था। इस घटना के खुलासा के लिए तीन टीमों का गठन किया गया था। एक हफ्ते से जो लगातार ताबड़तोड़ जो कार्रवाई कर रही थी, उसी के तहत थाना शाहबाद टीम और हमारी एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस घटना में जो दो बदमाश थे, जिन पे 25,000 का इनाम भी किया गया था, इन दोनों बदमाशों को पुलिस इनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में आज गोली लगी है। टोटल तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो दो लोग जिनको पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है, बब्बू बेग और इशारुद्दीन, शातिर किस्म के ये बदमाश हैं, जिन्होंने युवती के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के दौरान उसकी हत्या कर दी थी। इनको रगड़ के आज पुलिस एनकाउंटर में जेल भेजा जा रहा है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो अपराध करते हैं, पब्लिक या पुलिस पे गोली चलाते हैं, हमारी थानों की टीम, एसओजी की टीम इसी तरीके से कड़ी कार्रवाई करके रगड़ के और आवश्यकता पड़ी तो पुलिस एनकाउंटर में इन सबको उठा के जेल भेजेगी और कड़ी कार्रवाई इसी तरीके से जनपद रामपुर में चलती रहेगी। पुलिसकर्मियों को घायल हुआ सर, ऐसा कुछ चेक करा जा रहा है। मौके पे पूरी फॉरेंसिक टीम के साथ हम लोग पहुंचे हुए हैं। सराहनीय कार्य करने वाली ये हमारी जो टीम है, थाना शाहबाद की टीम और एसओजी टीम, इनको 20,000 रुपए इनाम से भी पुरस्कृत किया जा रहा है। अखंड भारत न्यूज के लिए संजय गौतम की रिपोर्ट, रामपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में 71वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जिले में हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, संविधान में उल्लिखित संकल्प स्मरण, देश के साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात रैली निकालने के साथ ही उनके द्वारा देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण, पुलिस लाइन में बेहतर उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने के साथ ही स्कूली बच्चों को बेहतर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण के लिए सम्मानित करने के साथ साथ विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय झांकी एवं सभी विकास खंडों में साक्षरता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कलेक्टर में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, गार्ड की सलामी एवं संविधान में उल्लिखित संकल्प को अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलवाने के बाद कलेक्टर सभागार में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के पर्व पर बधाई देते हुए कहा कि देश को आजादी मिलने के दौरान वीर शहीदों ने जो सर्वोदय भारत की परिकल्पना की थी, उस पर यदि भारतवर्ष के सभी नागरिक 100% अमर कर लें तो निश्चित ही यह देश विश्व के मानचित्र पर अपना परचम लहराएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष न्यायाधीश जिला उपभोक्ता फोरम सूबेदार यादव ने गणतंत्र स्थापित होने, महापुरुषों के योगदान, सैनिक के बलिदान, पूर्वजों के त्याग आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अपर जिलाधिकारी आरएस वर्मा ने कहा कि संविधान में उल्लिखित संकल्प को हम लोग आत्मसात करके और आगे बढ़ सकते हैं। शहर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिले के ऐसे 700 छात्र छात्राएं जिनको सरकार द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जो जिलाधिकारी ने स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने शहर को प्रमुख स्थानों पर स्थापित महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं बलिदान करने वाले सैनिकों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी हीरा सिंह ने ध्वजारोहण कर शपथ दिलाई और गणतंत्र के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर अपर जिलाधिकारी नायक पूर्णम निगम, जिला पूर्ति अधिकारी एसपी साकी, डिप्टी आरएमओ रामकृष्ण पांडे, सूचना अधिकारी सतीश यादव आदि अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा।